हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है फरहान, आप देख रहे हो टेक्नो फरहान। टेक्नो फरहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाँ मेरे भाई, आज हम बनाने वाले हैं टेक न्यूज़। तो ये हमारे चैनल का 6 नंबर का टेक न्यूज़ होगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट मेरे भाई। तो हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल पिक्सल 6 की तरफ से, गूगल पिक्सल 6a। भाई ये गूगल के फोन्स तो इंडिया के अंदर नहीं आते हैं अभी, बट ये मेरे हिसाब से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जैसा भी जो कुछ होगा। भाई इसका अभी गिग बेंच स्कोर निकल के आए, मल्टीपल सिंगर दोनों सिंगल दोनों निकल के आए, तो मैं आपसे दोनों ही शेयर करूँगा। हाँ तो पहले तो मैं आपको डिस्प्ले बताऊँ तो इस फ़ोन का कितना होगा। 6.2 इंच का ओलेड मतलब सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। हाँ गिग बेंच स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे निकल के आए 1050 सिंगल कोर स्कोर यहाँ पे निकल के आया मेरे भाई। और मल्टीपल कोर स्कोर की अगर मैं बात करूँ 2833 मल्टीपल कोर स्कोर निकल के आए इस फोन के। हाँ तो अब नेक्स्ट टेक न्यूज़ की अगर हम बढ़े आगे तो चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है मेरे भाई सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A73। इसके भी गिग बेंच स्कोर निकल के आए, प्लस इसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी निकल के आए। तो ये फ़ोन की थोड़ा सा जो है ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वगैरह सब है तो मैं आपसे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे भाई डिस्प्ले देखते हैं। डिस्प्ले निकल गया है 6.7 इंचेस का, एमोलेड स्क्रीन है प्लस 120 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट के साथ में, तो काफ़ी सही है। बैक साइड की अगर हम बात करें भाई, लुक तो आपको दिखाई रहा होगा। कैमराज की अगर मैं बात करूँ, मेन कैमरा जो होगा 180 वाला 108 मेगापिक्सल का होगा, प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। 108 जो होगा भैया ये मेन कैमरा होगा, बाकी के दोनों कैमरास के बारे में इन्होंने नहीं बताया, डेप्थ है, माइक्रो है, अल्ट्रा वाइड। हाँ इसमें से एक तो अल्ट्रा वाइड होगा, देखते हैं जब आएगा तब पता चल जाएगा। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ, स्नैपड्रैगन 778 5G वाला प्रोसेसर है। हाँ तो काफ़ी सही प्रोसेसर है। यहाँ पे भाई बैटरी निकल के आई है 5000 mAh की, प्लस 25 वाट का चार्जर है इसमें साथ में। हाँ तो यार चार्जर थोड़ा बड़ा देते तो और भी अच्छा होता, बट कोई बात नहीं मेरे भाई। हाँ गिग बेंच स्कोर की अगर मैं बात करूँ वो यहाँ पे निकल के आया 778 सिंगल कोर स्कोर निकल के आया मेरे भाई। और मल्टीपल कोर स्कोर की अगर मैं बात करूँ ये बहुत ही तगड़े निकल के आए मेरे भाइयों, 2913। हाँ तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आए भाई। अभी तक के अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। हाँ नेक्स्ट फ़ोन की अगर मैं बात करूँ वो यहाँ के निकल के आ रही है भाई, और रियलमी की तरफ से रियलमी C35। इसकी अगर आपने डिटेल में वीडियो नहीं देखी है तो लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। बट यहाँ पे प्राइसिंग देख लो, वो निकल के आ चुकी है मेरे भाइयों। मैंने जो बताया था उस वीडियो में उससे थोड़ी ज़्यादा है, हाँ बट ठीक है मेरे भाइयों। 6 GB दो वेरियंट के अंदर ये फ़ोन, पहले आपको मैं बता दूँ। 4 GB की रैम, 64 GB इसकी प्राइस है मेरे भाइयों, 12,000 रुपये से ये स्टार्ट हो रहा है फ़ोन। 4 GB की रैम, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ स्टोरेज और उसका, 4 GB की रैम 128 GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है भाइयों 13,000 रुपये। और इस फ़ोन की बैटरी मेरे भाइयों 5000 mAh का, प्लस 18 वाट का चार्जर है। चार्जर के हिसाब से थोड़ा सा प्राइस मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा है इस फ़ोन की। आपको अगर स्पेसिफिकेशन पूरे जानने इस फ़ोन के तो लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लो। तो ये सारा सब कुछ था आज की टेक न्यूज़ में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। और हाँ मेरे भाइयों, मैं सोच रहा हूँ हफ्ते के अंदर एक टेक न्यूज़ लाऊँ आपके लिए, तो आपको चाहिए हफ्ते के अंदर एक टेक न्यूज़ मुझे बताना नीचे कमेंट में। तो मिलता हूँ आपसे एक साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।